जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम सीखेंगे कि हम अपनी माला से राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जप झोली है और जो बाहर जो बांधा है हमने, ये है काउंटर। इसमें टोटल 20 मनके हैं या 20 मोती हैं आप कह सकते हैं, जो हमने इस तरह से बांधा हुआ है। यहाँ पर चार मोती एक साइड में छोड़े हुए हैं और बीच में यहाँ पे गांठ लगाई है, और इस साइड में 16 मोती हैं। आप अपने काउंटर को अपने हिसाब से बांध सकते हैं जितनी माला आपको करनी है। जैसे हमने 16 बांधे हैं यहाँ पर, अगर हमें 16 माला करनी है तो हम इस तरह से एक माला होने पर एक को नीचे कर देंगे, उसके बाद दूसरी माला होगी तो दूसरे को नीचे कर देंगे। इस तरह से जब 16 माला कंप्लीट हो जाएंगी तो 16 के 16 मोती जो हैं हमारे वो नीचे आ जाएंगे, 16 मन का जो है नीचे आ जाएंगे, मतलब हमारी 16 माला कंप्लीट हो गई है। और अगर हमें 16 से भी ज़्यादा करना है, रिपीट करना है 16 को दूसरी बार, यानी कि 32 करना है, ठीक है, तो इन सारे मनका को दोबारा से हम वापस ऊपर करेंगे, ठीक है। और इधर जो हमारे चार मोती हैं उसमें से एक को हम नीचे कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि हमारी 16 माला एक बार हो चुकी है। फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे 1 2, इस तरह से जब कंप्लीट 16 हो जाएंगी तो दूसरा जो मोती है चार में से उसको नीचे कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि 16 माला हमारी दो बार हो चुकी हैं। इसी तरह से रिपीट करेंगे तो चार बार अगर हमें करनी होगी 16 माला, तो 64 बार है ना, 64 बार हमारी माला हो जाएंगी, यानी कि 64 माला हो जाएंगी अगर हम चारों मोती को नीचे कर देंगे। इस तरह से जैसे गुरुजी आदेश करते हैं कि हमें 11 माला करनी है, तो आपको अगर 11 माला करनी है तो आप इसमें से 11 मोती को इस साइड में बांध लें और बाकी बचे हुए 9 मोती जो हैं वो इस साइड बांध लें। इन 9 मोती को आप इस साइड छोड़ें तो 11 माला आप करेंगे तो इस तरह से 1 2 3, जैसे आपकी माला कंप्लीट हो जाएंगी तो 11 के 11 मोती इधर हो जाएंगे, बाकी बचे हुए इधर रहेंगे। वही प्रोसेस है, आपको अगर रिपीट करना है तो इधर साइड के जो मोती हैं उनको नीचे करते रहिए, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी 11 माला एक बार हो चुकी हैं, 11 माला दो बार हो चुकी हैं, जितनी भी बार आपको करना है। तो ये तो है काउंटर किस तरह से हम यूज़ करते हैं, जो बाहर हम बांध के रख सकते हैं। यह है, अब हम आपको दिखाते हैं माला जो हमारी तुलसी की है, जो हमने ली है वृंदावन से। अगर आपके पास नहीं है तो आप भी, पास में आपके कोई इस्कॉन मंदिर है तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं तुलसी माला, क्योंकि ऑनलाइन लेना मुझे नहीं लगता ठीक है, वहाँ से आपको अच्छी माला मिल पाएगी। अगर आप इस्कॉन टेम्पल आपकी सिटी में है, नियरेस्ट सिटी में है, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और जप झोली भी ले सकते हैं। मैंने ये वृंदावन से ली है, अगर आप वृंदावन जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप वृंदावन से ही राधा कैलीकुंज के पास ही मिल जाएंगी आपको। तो ये हमारी तुलसी माला है इस तरह से। इसमें जो है 108 मनका होते हैं टोटल, 108 माला मनका का एक माला होती है, ठीक है। अब हमें स्टार्ट कैसे करना होता है, देखिए हमारी जो ये फर्स्ट फिंगर है इसको कभी भी हम माला पर स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक। इस तरह से हम माला को रखेंगे। अभी मैं आपको झोली के बाहर माला दिखा रहा हूँ, अगर आपको माला करना जब आप सीख जाएंगे तो झोली के अंदर रख के किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी देखिए माला जब झोली के अंदर हम किस तरह से करते हैं, इस तरह से हम इसको पकड़ते हैं झोली के अंदर, और जो ये सुमेरु है, सुमेरु ये जहाँ पे बड़ी गांठ लगी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ पास से। ये देखिए जो मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ है धागा, उसके नीचे का जो ये मनका है इसको सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु से आगे वाले भाग से, आगे वाले बीज से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी कि यहाँ से हमारा पहला नाम जप होगा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस तरह से हम माला को पकड़ेंगे और सुमेरु के आगे वाले बीज से हम स्टार्ट करेंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और अंगूठे के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, और इस उंगली को हम स्पर्श नहीं होने देंगे अपनी माला में। ऐसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 इस तरह से हम नाम जप करते रहेंगे, इस तरह से कंप्लीट। और जब हमारा नाम जप इस तरह से चलेगा तो ये माला कंप्लीट हो जाएगी पूरी। 108 बार जब हम नाम जप कर लेंगे तो वापस से हम सुमेरु पर पहुंच जाएंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे घूम के हम वापस से सुमेरु पर पहुंच गए। और आपको दूसरी माला अगर करनी है तो आप सुमेरु को आगे ऐसे ही क्रॉस नहीं करेंगे, कभी भी हम सुमेरु को क्रॉस नहीं करते हैं, तो सुमेरु से फिर वापस हो जाते हैं जहाँ से हम काउंट करते हुए आ रहे थे यहाँ तक। जब हमें दूसरी माला अपनी शुरू करनी होगी तो वापस हम वहीं से जहाँ से आए थे वहीं से वापस हो जाएंगे। तो दूसरी माला इस तरह से हम काउंट करेंगे, जैसे इसको वापस करने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने ऐसे माला पकड़ी हुई है तो हम इसको ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, जैसे हमने ऐसे माला पकड़ी हुई है यहाँ तक हमारी कंप्लीट हुई, अब हमें दोबारा से करनी है तो हम जहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई है वहीं से वापस इसको घुमा लेंगे इस तरह से, ठीक
ठीक है, और फिर से ऐसे करना शुरू कर देंगे वापस, तो हमारी दो माला समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद वापस से करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस है, दोबारा से आप इसको घुमा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो सुमेरु है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। इस तरह से आप जितनी माला भी करना चाहते हैं, 11 माला करना चाहते हैं, तो ये आपका 11 माला करने के बाद में बाहर का, मैंने काउंटर का प्रोसेस आपको बताया है कि आप काउंटर को एक एक नीचे करते जाएंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि हमारी 11 मालाएँ अभी हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि झोली के अंदर हमें माला को किस तरह से रखना है, किस तरह से जप करना है। ये देखिए, ये जो बड़ा हिस्सा है झोली में, देखिए दो आपको पार्ट दिए हुए हैं पार्टीशन, ये बड़ा हिस्सा है और एक छोटा हिस्सा है। इनका क्या प्रयोग है मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले आप यहाँ से माला को अंदर रख लीजिए और जो सुमेरु है, सुमेरु वाला भाग आप ऊपर रखेंगे। ठीक है, आप पहले ही नाम जब जब स्टार्ट करेंगे, जब आप नाम जब स्टार्ट करेंगे तो सुमेरु वाले भाग को आप पकड़ लेंगे इस तरह से। और जो ये बड़े कट में से हम अपना हाथ अंदर डालेंगे और जो छोटा कट है उसमें से हम अपनी फर्स्ट फिंगर बाहर निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो माला है अंदर, उसमें आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, तो वही प्रोसेस जो मैंने आपको झोली के बाहर बताया था वही कंप्लीट करना है आपको। अगर आपको गले में रखना है माला को तो आप इस तरह से गले में भी टांग सकते हैं, तो अगर आपको गले में नहीं रखना है इस तरह से आप इसको अपनी कलाई में भी बांध सकते हैं। तो खूब नाम जप करिए और महाराज जी का सत्संग सुनिए। जय जय श्री राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। राधे राधे श्याम।